नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ में लॉकडाउन के दौरान बैंक उपभोक्ताओं को घर पर ही सुविधा देने के उद्देश्य से आज इंडियन बैंक ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें इंडियन बैंक की तरफ से एक वैन छोड़ी गई है, जिसके माध्यम से जनपद हापुड़ के सभी ग्रामीण वासी इंडियन बैंक की इस वैन के माध्यम से अपनी जरूरत के लिए पैसा निकाल सकेंगे। ऐसे ग्रामीण जिनका खाता आधार कार्ड से लिंक है, वह सभी खाता धारक इस वैन के माध्यम से पैसा आसानी से निकाल सकेंगे। आपके द्वारा एक मोबाइल वैन का आज शुभारंभ किया गया है, क्या उसका कार्य रहेगा और किन किन क्षेत्रों में जाकर वो लोगों को सुविधाएं देगी? सर, ये मोबाइल वैन जो है हमारे खासकर उन गांव में, कोशिश हमारी ये रहेगी, ये वैन उन गांव में जाएगी जहाँ के लोग अभी बैंकों में नहीं आ पा रहे हैं और जिनके खातों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपीज का जो अभी एक अनाउंसमेंट की थी, उनको जनधन खातों में उनको उस चीज का बेनिफिट मिला हुआ है, वो बैंकों में नहीं आ पा रहे, उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, तो हम लोग इस वैन की सुविधा से उनको पेमेंट कराएंगे ताकि वो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको पूरा कर सके। तो सर, जनधन खाते के जो खाताधारक है उनको ये सुविधा मिल पाएगी या अन्य ग्राहकों को भी? नहीं, सुविधा सारे सबके लिए है। मैक्सिमम इसमें जो है हमारा 10,000 तक का पेमेंट होगा, सुविधा सबके लिए है। तो इंडियन बैंक के जो खाताधारक है उन्हें ये सुविधा मिल पाएगी और अन्य जो खाताधारक है उन्हें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? नहीं, सुविधा इसमें सारे बैंक के खाताधारकों के लिए रहेगी। जिन बैंक के खाताधारकों के खातों में आधार कार्ड लगा हुआ है, रजिस्टर्ड है, उनके लिए सुविधा होगी। वही देखा जाए तो इस वैन की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें इंडियन बैंक के खाताधारकों के साथ साथ अन्य बैंकों के खाताधारक भी आसानी से अपनी जरूरत का पैसा निकाल सकेंगे। इसमें 10,000 रुपए तक की लिमिट रखी गई है। यह वैन लॉकडाउन के दौरान हर एक दिन प्रत्येक गाँव में जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।